मगर हमको उत्तराखंड के अंदर भी हमको आईटी के हब्स के रूप में हमको निर्माण करना पड़ेगा, आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम पिथौरागढ़ है जहां हमारे पास एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है और रेलवे कनेक्टिविटी है, इन स्थानों को भी दुनिया के लोगों को बताना पड़ेगा और अपने बच्चों को हम यही रोजगार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, और इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और प्रयास करना पड़ेगा कि यहाँ की जो प्रतिभा है वो उत्तराखंड के काम है। अभी हमारे संत महाराज गोविंद देव जी भी बोल ही रहे थे, यही बोल रहे थे। एक चीज और नोट किया कि हमारी प्रतिभाओं का कुछ परसेंट वापिस आ रहा है, और ये कारण क्या है कि लोगों ने अपने पढ़ाई के अलावा भी अपने अनुसार यहाँ रोजगार देखना शुरू किया। बहुत सारे बच्चे हमारे आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छी जगहों पर होम स्टे से भी ऊपर का कॉन्सेप्ट लेकर आए और उसको कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जो जमीन के मालिक हैं वो बहुत बड़ी जमीनों के मालिक नहीं है, उनके पास 10 नाली 15 नाली, किसी किसी के पास तो 1 नाली 2 नाली ऐसी जमीनों के अधिकारी लोग। 2007 के अंदर जनरल खंडूरी जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो पहली कैबिनेट के अंदर मैंने इस बात की चिंता करी थी कि उत्तराखंड के अंदर बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मेरे कसार देवी में, कौसानी में, मचखाली में, मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग जमीनें बेच रहे थे, तो ये लगता था मुझे कि यार एक दिन तो ये जमीन विहीन हो जाएंगे, कि यही लोग यहाँ जमीन के बिना रहने वाले लोग होंगे और जो बाहर वाले हैं वो आकर के यहाँ के जमींदार हो जाएंगे। तो ये चिंता वास्तव में है, और इसलिए हमने 2007 में एक कानून लेकर आए थे कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन उत्तराखंड के बाहरी लोग नहीं खरीदेंगे। हमने इसलिए रोक नहीं लगाई थी, हमने कहा था उत्तराखंड में लोग आए मगर अपने रहने लायक जगह बनाए, मगर आज देखता हूं कि मैं बहुत सारे लोग इस पर बिजनेस कर रहे हैं, लोगों के पास खेत नहीं है। आने वाला समय ये बहुत खतरनाक है, इसको हमको बहुत सख्ताई के साथ इसका अनुपालन करना चाहिए कि हम यहाँ के लोगों की ये चिंता होनी चाहिए कि वो जमीन वहीन ना हो। मैं हिमाचल था बीच में, तो अभी अनिल जी यहाँ बैठे हैं, बताना चाहता हूँ कि हिमाचल के अंदर कोई जमीन खरीद नहीं पाता और कृषि वाली जमीन तो बिल्कुल नहीं खरीद पाता, सरकार की अनुमति के बाद भी बहुत मुश्किल का काम है। एक स्थान वहां ऐसा है किन्नौर, हमारे वहां पहले से हिमाचल में क्या कर रहे थे कि वहां की अगर किसी लड़की के साथ किसी बाहर वाले की शादी है तो वो जमीन खरीद सकते थे, अगर किन्नौर एक ऐसी जगह है जहां की लड़की के साथ कोई बाहर वाला भी शादी करता है तो उसको भी जमीन खरीदने का अधिकार नहीं। इसी प्रकार का सख्ताई का कानून हमें यहाँ लाना पड़ेगा, अगर हम नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य का होगा। किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट में रोड का पहुंचना बहुत जरूरी है, चाहे गांव तक भी अगर हम जाते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग अगर किसी गांव में, आपका गांव हो वहां रोड नहीं होती तो आपकी कनेक्टिविटी कम होती है, वहां रहने वाले लोगों की कनेक्टिविटी भी कम होती है, वो 10 बार सोचते हैं यार रोड तो है नहीं, पैदल जाना पड़ेगा। इसलिए रोड तो इंसान के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विकास के लिए भी जरूरी है। अगर रोड जाती है तो गाँव में डॉक्टर जाता है, टीचर जाता है, गाँव के अंदर बाकी के सारे डिपार्टमेंट जाते हैं, इसलिए रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अच्छी रोड है, क्योंकि अब हमारी लगभग ये बहुत सौभाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करके, क्योंकि मैं उस समय जिला पंचायत का अध्यक्ष था 2000 में, तो मुझे तब 2 रोड मिली थी, एक सल्ट में और एक कौसानी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहां लोगों ने बहुत जश्न मनाया था कि हमको रोड मिल गई। आज सौभाग्य की इन 24 सालों के अंदर लगभग हमने हर ग्राम पंचायत को, गांव के अंदर नहीं, हर ग्राम पंचायत तक हमने रोडों को जोड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।